बीजेपी के नेता भी हैं और भोजपुरी स्टार एक अभिनेता भी के रूप में भी आते हैं। तो ये जो अक्षरा सिंह है, जो मामला जो दर्ज करवाया है, तो हम बात करेंगे उनसे कि क्या अक्षरा सिंह को न्याय मिलेगी या नहीं मिलेगी। उनसे हम बात करते हैं। हमारे साथ हैं बखरी विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी सुरदेव भगवान पासवान जी, उनसे भी हम बात करेंगे। इनको आप किस रूप में देखते हैं जो आज अक्षरा सिंह मलाड, मुंबई के मलाड में मामला दर्ज करवाए हैं, उन पर कई अत्याचार धमकियां मिल रही है। पवन सिंह वही एक बीजेपी के नेता भी हैं जिनको अमित शाह ने खुद इनको सदस्यता दी है और भोजपुरी के स्टार भी माने जाते हैं पवन सिंह। तो क्या लगता है कि उनको न्याय मिलेगी? पवन अक्षरा सिंह को क्या लगता है? एकदम उनको न्याय मिलनी चाहिए, लेकिन मैं तो कहता हूँ इस बीजेपी की सरकार में, चाहे वो केंद्र की भाजपा की सरकार हो या यूपी की सरकार हो, इनके राजपाट में न्याय मिलने वाला नहीं है। हम पूरे वामपंथी पार्टी के लोग चाहते हैं कि उनको न्याय मिले और जो दोषी है उनको निश्चित रूप से फांसी की सजा मिले, यही मेरा मानना है। और आज पूरे देश में जो भारत की सरकार ने बेटी बचाओ का अभियान चलाया है, ये पूरा खोखला साबित हुआ है। बड़े बड़े बोर्ड पर लिखा हुआ है जो बलात्कार के मामले आएंगे उन बच्ची को हम 3,000-6,000 जो भी राशि कर दिया है। क्या मैं पूछना चाहता हूँ आप लोगों से, क्या उनकी इज्जत का कीमत मात्र 3,000 ही है? उनके साथ जो दुर्व्यवहार हुआ है, अन्याय हुआ है, रेप हुआ है, उनके परिवार के साथ जो बिना नंबर की ट्रक से जो गवाहों को कुचला गया है, हम उनके साथ खड़ा है, उन पीड़ित परिवार के साथ खड़ा है, उनको न्याय मिलनी चाहिए। जिस तरह अक्षरा सिंह भी यहाँ पे संघर्ष कर रहे हैं, क्या लगता है कि संघर्ष कर पाएंगे, क्या इनको न्याय मिलेगा? एकदम मिलेगा, इसको संघर्ष से ही न्याय मिलेगा, ऐसे परवी से न्याय नहीं मिलेगा। निश्चित रूप से उस महिला को संघर्ष करना चाहिए और हम लोग उनके साथ हैं। तो ये हमारे साथ सीपीआई के प्रत्याशी थे वो सुरकांत पासवान जी, ये पूर्व प्रत्याशी हैं और आज हम फिर उनसे भी बात करेंगे जो बीजेपी के भी नेता हैं। और बीजेपी लगातार इस बात को लेकर चल रही है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा चला रही। मुंबई के मलाड में अक्षर सिंह भोजपुरी स्टार हैं, उन पर मामला दर्ज हुआ पवन सिंह पर, क्या उनको किस रूप में देखते हैं, क्या न्याय मिलेगा? बड़े विद्वानों ने कहा है कि भारतीय संस्कृति में महिलाओं को बड़ा सम्मान है, यहाँ की सभ्यता विकसित हुई है महिलाओं के बल, और हमारे वेद में कहा गया है कि यत्र नारियस्तु पूज्यते रमन्ते तत्र, जहाँ नारी की पूजा होती है देवताओं का निवास भी वहीं होता है। सवाल किसी राजनीतिक दल का नहीं है, ये मानसिक विकृति और दिवालियापन का है। जहाँ तक बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का नारा माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिया और इसको लेकर सरकार चलना चाहती है, तो इस पहले इसकी अवधारणा को समझना आवश्यक है। बेटियां गर्भ में ही मार दी जाती थी और चूंकि बेटियों से ही संपन्न समाज, बेटियों से ही हमारी संपूर्ण सभ्यता और संस्कृति, इसलिए बेटियों को बचाना आवश्यक है और महिलाओं से ही परिवार की कल्पना की थी। महिलाओं के बगैर परिवार की कल्पना नहीं हो सकती है, न सभ्यता रह सकती है, संस्कृति का निर्माण हो सकता है, उसकी सुंदरता बढ़ सकती है। मनुष्य इस धरती का सर्वश्रेष्ठ प्राणी और ये महिलाएं, ये बेटियां भगवान की अनुपम कृति है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि सवाल राजनीतिक दलों का नहीं है, मैं पूछना चाहता हूं कि लंबे समय तक बंगाल में लेफ्ट का शासन रहा और वहां ऐसी घटनाएं घटी हैं, तो इस विषय पर कोई बताएंगे कि उसमें लेफ्ट के सरकार के लोग दोषी थे? ये मानसिक विकृति है। पिछले दिनों आपने देखा कि राजवल्लभ यादव जी, जो भारतीय जनता पार्टी से नहीं थे, न जनता दल यूनाइटेड से आते, उन्होंने जो किया काम वहाँ और जिसमें लंबे समय तक गिरफ्तार रहे, वो जेल में बंद रहे, वो भी सामाजिक न्याय के प्रतिनिधि थे, गरीबों के माई बाप थे, कर क्या रहे थे, अस्मत किसकी लूट रहे थे, अस्मत इन्हीं गरीबों की लूट रहे थे। इसलिए सवाल कांग्रेस का नहीं है, कांग्रेस के लोगों ने भी देखा है कि कांग्रेस के लोगों ने क्या किया। शशि थरूर जी को देखिए, आप उसकी जानकारी लेंगे, उसका परीक्षण करेंगे तो आपको पता लगेगा कि अपनी ही पत्नी की हत्या में उनका हाथ हो चुका है, साबित हो चुका है। इसलिए सवाल लेफ्ट और राइट का नहीं है, सवाल मानसिक विकृति का है। मोदी जी ने कहा है कि हम बेटी को बचाएंगे और बेटी को पढ़ाएंगे, और बेटी और बेटी को बचाकर बेटी को पढ़ाकर सुंदर भारत के निर्माण की कल्पना की गई।
अगर कोई आदमी भारतीय जनता पार्टी का है उसमें शामिल है तो मोदी जी को ये नहीं मालूम है कि वो बलात्कारी है, वो बलात्कार करने वाला है। बलात्कार की घटना घटती है तो सजाएं भी होती हैं, गिरफ्तारी भी होती है, हम बंद भी उसको करते। और सवाल जो आप उठा रहे कि महिलाओं के साथ ये काम हो रहा, मैं पूछना चाहता हूँ कि जहाँ बात कर रहे हैं, जब यूपीए की सरकार चल रही थी बिहार में, गरीबों के माए बाप की सरकार चल रही थी, तो पटना में बेटियां सुरक्षित थी क्या? पटना में बेटियां सुरक्षित थी? नहीं। आईएएस ऑफिसर की बीवी सुरक्षित नहीं रही और मामला दर्ज है, उसमें कौन से लोग शामिल हैं ये पूरे बिहार को नहीं देश के लोगों को मालूम है। इसलिए सवाल मानसिक विकृति का है, कौन भ्रष्ट होगा, कौन भ्रष्ट होगा ये सरकार को मालूम नहीं होता है। यदि भ्रष्टाचार का मामला बढ़ रहा है, मानसिक रूप से लोग भ्रष्ट हो रहे हैं, और चारित्रिक रूप से जब भ्रष्ट हो रहे हैं लोग तो उनकी गिरफ्तारी होगी, कानून में उसके लिए सजा निर्धारित की गई है, संवैधानिक रूप से उनको सजा मिलेगी। बेटियों को बचाना हमारा धर्म है, सभी दल के लोगों का यह दायित्व है, ना सिर्फ भारतीय जनता पार्टी, तमाम राजनीतिक दल के लोगों का यह दायित्व है कि बेटियों की रक्षा की जाए, क्योंकि संपूर्ण भारतीय संस्कृति हमारी उन्हीं बेटियों पर बनती और बिगड़ती है। इसलिए भारतीय संस्कृति के नवनिर्माण के लिए आवश्यक है कि बेटियों को बचाया जाए, और इसके विकास के लिए, वैज्ञानिक उत्थान के लिए आवश्यक है, उनकी सुरक्षा के लिए आवश्यक है कि बेटियों को पढ़ाया जाए। हम उनकी सुरक्षा करेंगे अगर हम इसमें तमाम दल के लोगों को आमंत्रित करते हैं। न सिर्फ ये मोदी जी का दायित्व, न नीतीश जी का दायित्व है, तमाम लोगों का यह दायित्व है कि समाज में एक ऐसा वातावरण बने, एक बेहतर और सुंदर वातावरण बने जिसमें महिलाओं की सुरक्षा और उनका सम्मान हो। और टुडे बिहार झारखंड जो चैनल आप चला रहे हैं, हम आपको धन्यवाद ज्ञापित इस बात के लिए करते हैं कि आपने इतना हिम्मत जुटाया है कि एक मजबूत व्यक्ति के खिलाफ कोई अगर पीड़िता बोल रही है तो उसकी आवाज़ में आप भी बोल रहे हैं। इस बात के लिए हम आप तमाम साथियों को धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। ये दायित्व है आपका, ये हमारा दायित्व, और इन बातों को हम उछालेंगे। अगर इस गलत कारनामे में चाहे कोई विधायक हो, सांसद हो, चाहे समाज का कोई भी साफ सुथरा प्रतिनिधि हो, अगर ऐसी हरकत करता है तो कानून के दायरे में उनकी गिरफ्तारी होगी। आप तो वही प्रयास कर रहे हैं, टुडे चैनल का क्या प्रयास है? ऐसे व्यक्ति जो लोग ऐसा काम कर रहे हैं, जो बेटियों की अस्मिता के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, टुडे का प्रयास है, बिहार झारखंड का ये प्रयास है, आपके चैनल का प्रयास है, इस पर कार्रवाई हो। आप जनमत संग्रह कर रहे हैं कि क्या करना चाहिए। ऐसे भ्रष्ट पुलिस पदाधिकारी जो किसी को भी बचाने की कोशिश करें, चाहे वो किसी भी स्तर के लोग, उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। पिछले दिनों हमने देखा कि रेप के मामले में सरकार ने कानून को सख्त बनाया है, पिछली सरकारों से ज़्यादा पॉस्को एक्ट लाया है, और भी बच्चों के साथ भी जो दुर्व्यवहार हो रहा है, उनके साथ अनैतिक कर्म हो रहे हैं, उसके खिलाफ भी सरकारें प्रयास कर रही हैं। लेकिन सिर्फ सरकारी प्रयास से कोई मामला हल हो जाए ऐसा संभव नहीं है। जनता को सरकार का साथ देना होगा, और प्रशासन भी तभी सख्त आएगी जब जन जागृति आएगी। तो हम सारे लोगों का ये दायित्व बनता है, और विभिन्न राजनीतिक दलों का भी दायित्व बनता है कि सरकार को सहयोग करें इस दिशा में। विरोध से ज़्यादा सहयोग की ज़रूरत है, और जो प्रभावशाली लोग हैं गिरफ्तार नहीं हो रहे हैं, जन प्रयास से ही उनकी गिरफ्तारी होगी। जनता को उसके लिए सड़कों पर आना होगा, और उनके खिलाफ गिरफ्तारी के लिए प्रयास करना पड़ेगा। पुलिस पदाधिकारी की जहाँ तक बात है या प्रशासन की बात है, बचाने का अगर प्रयास करता है तो वह निंदनीय है, ऐसा प्रयास नहीं होना चाहिए, और सरकार को भी इस पर संज्ञान लेना चाहिए। अपराधी चाहे किसी भी वर्ग का हो, कितना भी बड़ा हो, कानून के दायरे से वो बाहर नहीं है। कानून की गिरफ्त बहुत लंबी है, और आज न कल वह कानून की गिरफ्त में आएगा, हम इसकी कामना करते हैं। जनता की भागीदारी लेकिन अपेक्षित है इसमें, उस पीड़िता के साथ जिले की जनता को होना चाहिए, चाहे वो उन्नाव की घटना हो, बेगूसराय की घटना हो, मुंबई की घटना हो, जहाँ की भी घटना हो, पीड़िता के साथ समाज को शामिल होना चाहिए। उसके खिलाफ जो बलात्कारी लोग हैं, जो अन्यायी लोग हैं, उसके खिलाफ धरना प्रदर्शन इत्यादि के माध्यम से राजनीतिज्ञों को भी जागृत करना चाहिए, और इस मामले को जहां तक भी ले जाया जाना संभव हो ले जाया जाए, प्रशासन में ले जाया जाए, विधायिका में ले जाया जाए, न्यायपालिका में ले जाया जाए, जहां उसको न्याय मिल। हम आज बात करेंगे महिलाओं पर। एक तरफ बीजेपी जो है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दे रही है, अभियान चला रही है, तो वहीं आज भोजपुरी स्टार पवन सिंह पर अक्षरा सिंह ने एक संगीन आरोप लगाया है, उनके ऊपर मामला भी दर्ज कराया गया मुंबई में। आज उसी के लेकर के हम बात करेंगे। हमारे साथ आम आदमी के पार्टी के नेता किशोरी प्रसाद जी हैं, और आम आदमी पार्टी से हैं। इनसे बात करेंगे कि आज जो महिलाओं के जो अत्याचार हो रहे हैं,
और कई मामले ऐसे हैं जो आज भोजपुरी स्टार हैं पवन सिंह, उस पर अक्षरा सिंह ने मामला दर्ज कराया है मुंबई के मलाड में, उसे संगीन कई आरोप लगाए हैं, तो क्या लगता है कि उनको न्याय मिल पाएगा या नहीं? बिल्कुल न्याय नहीं मिल पाएगा, क्योंकि उदासीन है प्रशासन और बेटियों के प्रति सिर्फ स्लोगन है, बेटी बचाओ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का ये सिर्फ स्लोगन है, और वस्तु स्थिति यहाँ बहुत ही नारकीय स्थिति है और प्रशासन इस पर किसी प्रकार का कड़ा स्टेप नहीं उठा रहा है। पूरे बिहार में डीजी टीम घूम घूम के थानों पर छापामारी कर रही है, फिर भी अगर कोई FIR दर्ज कराने जाता है, कोई बेटी दर्ज कराने जाती है, तो उसका FIR नहीं होता है और उनको टहलाया जाता है, कितना बार घुमाया जाता है, तब जाकर जब कोई पार्टी प्रेशर देती है, प्रेशराइज करती है, तब वो FIR दर्ज करते हैं। और यहाँ गुप्तेश्वर पांडे, जबकि वो अपना नंबर तक दिए हुए हैं और कहे कि कुछ भी हो जाए तुम्हारे साथ, तुम डायरेक्ट हमारे यहाँ आ जाइए, हम सुबह 10 बजे से 5 बजे बैठते हैं पटना में और डायरेक्ट पहुंच जाइए। इतना होने के बावजूद भी जितनी भी थाना है वो थाना बिका हुआ है, महोदय इससे ज़्यादा क्या कहा जाए और संगीन इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। लोग घर बार छोड़ कर करके भागने को विवश हैं, अपनी इज्जत बचाना उनके लिए मुश्किल हो रहा है, दुष्कर हो रहा है। पवन सिंह नेता भी है और अभिनेता भी है, दोनों हैं और BJP के नेता हैं पवन सिंह। अक्षरा सिंह ने मामला दर्ज कराया है और बात करें फिर वो सेंगर के जो उन्नाव में, वो भी BJP के विधायक थे, तो लगातार ये जो BJP के जो नेताएं जो आ रहे हैं इस मामले में आरोप जो लग रहे हैं संगीन आरोप बराबर, तो क्या इसको किस रूप में देखते हैं? क्या BJP ये कुत्सित मानसिकता है और गलत लोगों का, पूरा BJP ऐसी नहीं है, लेकिन कुछ लोग उसमें मनबढ़ू किस्म के हैं जो कि अपना पार्टी के लाइनअप को छोड़ करके, विकास कार्यों को छोड़ कर करके एस मौज का अड्डा बना लिया है। सत्ता अपने साथ जो लाती है कुरूति, उस कुरूति के ये लोग शिकार हो गए और गलत मानसिकता के कुछ लोग BJP में आ गए हैं, जो BJP पूरे पार्टी को बदनाम कर रहे हैं, और ऐसा कुत्सित लोगों को पार्टी से निकाल बाहर करना चाहिए। पार्टी के अध्यक्षों को इस पर ध्यान देना चाहिए और चलाने वाले जो भी हैं स्वयं सेवक संघ हैं, वो तो खुद आत्मानुशासन की बात करते हैं और अपने विधायकों को, अपने सांसदों को आत्मसंयम का पाठ दे, और जो पाठ नहीं सीखे उन्हें पार्टी से निकाल बाहर करना चाहिए। ये उनका आत्मसंयम का पाठ हो, प्रथम पाठशाला पार्टी है, और पार्टी में रहकर ऐसे लोग अगर पार्टी को, किसी भी पार्टी को बदनाम करते हैं, उनको तुरंत क्विक धक्का मारकर बाहर का रास्ता दिखा देना चाहिए। इस पर पुलिस प्रशासन पर क्या कहना है? ये संवेदनहीनता है, ये पुलिस प्रशासन की संवेदनहीनता है, जिसके कारण समाज मर रहा है। समाज आज जो स्थिति में है उसका मुख्य कारण ये थानों का है, थानों की संवेदनहीनता के कारण ऐसी बच्चियों के खिलाफ रेप हो रहा है, क्योंकि जान रहा है कि प्रशासन इसको प्रोटेक्शन नहीं देगा। जिस दिन प्रशासन प्रोटेक्शन देने लगे, और जो कहा गया है कि एक अलग से पॉक्सो कोर्ट स्थापित किया जाए, और यहाँ अभी तक उसमें जिला प्रशासन पॉक्सो एक्ट के तहत अलग कोर्ट स्थापित करने के लिए क्या कदम उठाए हैं, क्या प्रशासन को दिशा निर्देश मिला है, ये खुला हुआ नहीं है। और इनकी दिशाहीनता ये है कि जब ये FIR नहीं ले रहे हैं तो ऐसे लोगों का मन बढ़ेगा। और पूरी जो स्टार है पवन सिंह, जो BJP के नेता भी है सांसद और अभिनेता भी है दोनों, तो कहीं न कहीं ये लगता है कि जिस तरह से उसे संगीन आरोप लगे हैं, क्या लगता है कि बिहार की बेटी जो अक्षरा सिंह है, क्या उनको न्याय मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा? देखने वाली बात ये होगी कि क्या इन BJP की सरकार में अक्षरा सिंह को न्याय मिलती है नहीं मिलती। कुछ हमारे साथ यहाँ पर RJD के नेता भी हैं, उनसे भी हम बात करेंगे कि क्या लगता है कि बिहार में बेटियाँ सुरक्षित है या नहीं है, क्या लगता है कि जो महिलाएँ जो बेटियों जो उन पर अत्याचार हो रहा है, क्या सुरक्षित हैं? बिहार में महिलाएं और बेटियां किसी भी तरह से सुरक्षित नहीं है। इनके साथ जो है दिन प्रतिदिन अत्याचार, शोषण, हत्या और बलात्कार की घटनाएं होती रह रही हैं। वर्तमान में ताजा उदाहरण है जो आप
इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जरिए, प्रिंट मीडिया के जरिए आप देखे होंगे कि पवन सिंह जो भोजपुरी जो स्टार हैं, फिल्मी नेता हैं, उनके द्वारा जो घटना की गई है अक्षरा सिंह के साथ, ये घटना जो है बहुत दुखद है, ये घटना निंदनीय है। पवन सिंह को जो है कड़ा से कड़ा सजा मिलना चाहिए और इसके लिए जो है से राष्ट्रीय जनता दल जो है सड़क से लेकर सदन तक आंदोलन करने के लिए साथ है अक्षरा सिंह के पक्ष में। ऐसा नहीं होना चाहिए, जेंट्स लोग को भी सोचना चाहिए, जो अपनी बेटी की तरह दूसरे की भी बेटी अपनी बेटी है तभी तो सुरक्षा रह सकती है। अगर बेटी नहीं मानेगी अपना बेटी के जैसा, दूसरे बेटी को नहीं मानेगी बेटी, तो ये तो अन्याय की बात है। विवाद ले सकते जाएंगे बिल्कुल भगा देता है, कहता है नहीं हम विवाद नहीं लेंगे, लड़की लेडीज लोग तो भगा देता है, कहता है नहीं आप लोग भागे, क्योंकि कुछ उनको कुछ चाहिए दान दक्षिणा, अगर दान दक्षिणा कुछ मिल गया तो ठीक है केस ले लेता है, अगर नहीं मिलता है दर्द नहीं करता है केस। ऐसा हम केस बहुत देख चुके हैं, जो बेटी के बचाओ और बेटी को पढ़ाओ ये नारा जो है बहुत बेटा है, ये नारा से हम बहुत लड़की को देख रहे हैं आजकल। आज के समय में जो बढ़ावा मिल रहा है, कुछ लड़कियाँ पहले गाँव में तो नहीं पढ़ती थी, वो लड़कियाँ पढ़ रही है। न्याय जरूर मिलेगा अक्षरा सिंह को, मानना यह है कि जनता भी ने राय दिया है कि अक्षरा सिंह संघर्ष तो कर रही है, लेकिन पवन सिंह मामले में जो मामला दर्ज हुआ है उनको न्याय जरूर मिलेगा। तो हमारे साथ थे कई राजनीतिक दलों, अपना अपना बात को रखे हैं कि महिलाओं पर अत्याचार हो रहा है, उसको न्याय मिलना चाहिए। बेगूसराय से हरिराम दास, मुझे बिहार छात्र।